मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। दीपावली के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अब्बास अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने जमानत अर्जी पर बहस की है। सरकारी जमीन पर कागजों में हेराफेरी कर 2005 में रजिस्ट्री कराने का आरोप है। इस जमीन पर गजल होटल बना हुआ है, जिस पर प्रशासन ने पहले भी कार्रवाई की है। मामले में गाजीपुर कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई है। अब्बास अंसारी की दलील है कि जमीन की रजिस्ट्री के वक्त उनकी उम्र महज 13 साल थी। यह रजिस्ट्री उनकी मां अफसा अंसारी ने अब्बास अंसारी के नाम पर कराई थी। इस मामले में गाजीपुर जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई पर फैसला सुनाया। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दिवाली के बाद कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। दरअसल अब्बास अंसारी पर सरकारी जमीन पर कागजों में हेरफेर करने का आरोप है। इसके साथ ही 2005 में रजिस्ट्री कराने का भी आरोप है। इस जमीन पर फिलहाल गजल होटल बना हुआ है। सरकारी जमीन में हेरफेर और रजिस्ट्री कराने के आरोप में गाजीपुर कोतवाली में FIR दर्ज की है। इस मुद्दे पर अब्बास अंसारी ने अपना दलील दिया कि रजिस्ट्री के वक्त उनकी मां ने अब्बास अंसारी के नाम पर कराई थी। उस वक्त अब्बास अंसारी की उम्र केवल 13 वर्ष थी। इस मामले में गाजीपुर जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच कर रही है, उसी ने अपना फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। दीपावली के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अब्बास अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने जमानत अर्जी पर बहस की है। सरकारी जमीन पर कागजों में हेराफेरी कर 2005 में रजिस्ट्री कराने का आरोप है। इस जमीन पर गजल होटल बना हुआ है, जिस पर प्रशासन ने पहले भी कार्रवाई की है। मामले में गाजीपुर कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई है। अब्बास अंसारी की दलील है कि जमीन की रजिस्ट्री के वक्त उनकी उम्र महज 13 साल थी। यह रजिस्ट्री उनकी मां अफसा अंसारी ने अब्बास अंसारी के नाम पर कराई थी। इस मामले में गाजीपुर जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई पर फैसला सुनाया। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दिवाली के बाद कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। दरअसल अब्बास अंसारी पर सरकारी जमीन पर कागजों में हेरफेर करने का आरोप है। इसके साथ ही 2005 में रजिस्ट्री कराने का भी आरोप है। इस जमीन पर फिलहाल गजल होटल बना हुआ है। सरकारी जमीन में हेरफेर और रजिस्ट्री कराने के आरोप में गाजीपुर कोतवाली में FIR दर्ज की है। इस मुद्दे पर अब्बास अंसारी ने अपना दलील दिया कि रजिस्ट्री के वक्त उनकी मां ने अब्बास अंसारी के नाम पर कराई थी। उस वक्त अब्बास अंसारी की उम्र केवल 13 वर्ष थी। इस मामले में गाजीपुर जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच कर रही है, उसी ने अपना फैसला सुनाया है।